तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत होती है अपनी सुबह के 8:30 बजे से और रात का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। धूप निकल रही है अच्छी खासी। तो हर वीडियो में मैं आपको ये गमले दिखाता हूँ तो इस वीडियो में भी दिखाई देता हूँ, लेकिन इस बारिश की कंडीशन काफी अच्छी थी, गमला पूरा भरा हुआ था और इन गमलों की प्रोग्रेस भी काफी अच्छी थी, इनमें भी प्लांट्स निकलना चालू हो गए थे। और ये हमजा यहाँ पर बैठे बैठे देख रहा था और साथ में चल रहा था इसका ब्रेकफास्ट। बहुत टाइम हो गया अपने वर्कआउट का, तो आज अपना लेग डे है तो इसलिए मैंने ये बारबेल सेट कर लिया। यहाँ पर फटाफट से मैं अपना लेग वर्कआउट फिनिश करता हूँ, तो मुझे देखने के बाद हमजा ने भी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था ब्रेकफास्ट करने के बाद। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और एनवायरनमेंट में बादल तो छा गए थे लेकिन पता नहीं बारिश आज होगी या नहीं। तो अब मैं अपनी बुलेट को बाय बाय बोल के निकल जाता हूँ अपनी दूसरी बाइक और दरगाह रोड से गुजरता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर किसी की शादी की तैयारियां चल रही। फिर सामने दिखती है झुंझुनू की बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद, मक्का मस्जिद। फिर यहाँ पर रुक के थोड़े फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं। फिर हम झुंझुनू की इन घाटियों और पहाड़ों को पार करते हुए सीधा पहुंच जाते हैं अपने खेतों में। फिर यहाँ पर पहुंच के देखते हैं कि एक गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई थी और यहाँ से आगे का रास्ता बंद कर रखा था। फिर हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं किसी दूसरे रास्ते की ओर। तो फाइनली हम खेत में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर देखते हैं कि पड़ोस में एक नया घर बन रहा था। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक गाय ने हमारा रास्ता रोक रखा। तो खेतों में फुल जोरों शोरों से काम चालू था फसलों का। तो खेत में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपनी बाइक स्टार्ट करके फिर से निकल पड़ते हैं यहाँ से। तो रास्ते में फिर से झुंझुनू के पहाड़ों का नजारा देखते हुए हम पहुंच जाते हैं सीधा मार्केट में और फिर हम सीधा पहुंच जाते हैं एक मोबाइल की शॉप पर, क्योंकि यहां से मुझे करवाना था अपने मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास चेंज, क्योंकि अपने मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास हो चुका था थोड़ा डैमेज। तो यहाँ पर अपने मोबाइल पे न्यू टेम्पर्ड ग्लास। फिर यहाँ पर काफी ईयरफोन ट्राई करने के बाद फाइनली एक ईयरफोन मेरे को सेट हो जाता है। तो 150 रुपए में हमें टेम्पर्ड ग्लास और एक ईयरफोन की डील मिल जाती है। फिर हम इवनिंग वॉक के लिए पहुंच जाते हैं पास वाले पार्क में और यहाँ आकर देखते हैं कि मॉनसून की वजह से पूरा पार्क में एकदम फुल ग्रीनरी हो रखी है और बच्चे यहाँ पर पार्क में झूलों का फुल आनंद उठा रहे हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी वॉक करने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर की ओर।